हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आई एम विष्णु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल विपुल क्लासेस। आइए आज हम नए टॉपिक को पढ़ते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास इनविटेशन, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनविटेशन दो तरह का होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इनविटेशन दो तरह का इनविटेशन होता है हमारा, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन क्या मतलब होता है गुरुजी, समझ नहीं आया। तो देखिए, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? तो जब भी हम अपने किसी भी फ्रेंड को लिखते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जब भी हम अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं तो वो चीज हमारी इनफॉर्मल कहलाती है। तो ऐसा इनविटेशन, ऐसा निमंत्रण जो हम अपने फ्रेंड्स को देंगे या अपने किसी रिलेटिव को देंगे, तो वो हमारा इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। और ऐसा इनविटेशन जो हम देते हैं किसी दूसरे को, यानी अदर्स को देते हैं, जो हमारा फ्रेंड्स नहीं है, न तो हमारा फ्रेंड है और न ही हमारा रिलेटिव है। तो जो फ्रेंड या रिलेटिव नहीं होते हैं, किसी दूसरे को दिए जाने वाला इनविटेशन होता है हमारा फॉर्मल इनविटेशन। तो इस तरह से ये दो टाइप होते हैं इनविटेशन के। क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, बिल्कुल आसानी से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट आपको बताता हूं कि जो इनविटेशन होता है उसको हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं। जैसे आप बॉक्स के अंदर लिखते हैं, नोटिस को बॉक्स के अंदर लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट को हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, मैसेज को हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं, इसी तरह से हम ईमेल को भी बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारा इनविटेशन जो होता है इसको भी बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, वो आपको जानना है। बहुत ही कम वर्ड लिमिट में आपको लिखना होता है। वर्ड लिमिट इसके लिए 40-50 रखी जाती है। तो देखिए, अगर फॉर्मल इनविटेशन है, यानी हम निमंत्रण दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं, इनविटेशन हम दे रहे हैं, तो देखो हमारे पास भी अक्सर इनविटेशन आते रहते हैं। किसी की शादी का इनविटेशन हमारे पास आता है, तो किसी का बर्थडे का इनविटेशन आता है हमारे पास, किसी के यहाँ पर डिनर का इनविटेशन भी आ जाता है, किडी पार्टी का भी आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इनविटेशन हमारे पास आते हैं। तो वही रिटर्न इनविटेशन जो है वो हमारे सिलेबस में है, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और प्रिंटेड इनविटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, यानी कोई भी सैल्यूटेशन जो है बिल्कुल यूज नहीं होगा। सैल्यूटेशन का यूज नहीं करना है, यानी हमें सर या मैडम का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सर या मैम जैसे हम लिखते हैं, तो न तो हम सर और न ही मैम, कोई हमें सैल्यूटेशन नहीं देना है। और नहीं क्लोजिंग में जैसे आप लिखते हैं सिंसियरली, फेथफुली, तो क्लोज करते हुए कोई भी क्लोजिंग नहीं होगी, सीधा क्लोजिंग होगी केवल एड्रेस से, केवल एड्रेस देना होगा, बाकी कोई क्लोजिंग नहीं होगी। ये फॉर्मल है हमारा। और फॉर्मल इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, अर्थात हम उसको फर्स्ट पर्सन जैसे आई का यूज करके नहीं लिखना है,
आई का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। और अब बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की, कि किस तरह से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। तो इनफॉर्मल इनविटेशन एक किस्म से आप समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल लेटर की तरह ही लिखा जाता है। लेटर तो भैया बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में, यानी आपको 2-3 सेंटेंसेस में ही बात को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक सेंटेंस में ही आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, तो अच्छा इनविटेशन, अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो यहां पर सैल्यूटेशन आता है डियर, अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, या कोई रिलेटिव है तो आप रिलेटिव का रिलेशन लिख सकते हैं, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर, तो ऐसे डियर, और नेम भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड। उसके बाद फिर आप लाइन छोड़ करके लिखते हैं, और जैसे यहां पर सैल्यूटेशन दिया गया है, और सैल्यूटेशन देने के बाद यहां पर क्लोजिंग इसमें होती है, यानी जैसे यहां पर क्लोजिंग नहीं होती है, क्लोजिंग का कोई सेंटेंस यहां पर नहीं होता है, केवल एड्रेस से क्लोजिंग होती है, केवल एड्रेस होता है, यहां पर क्लोजिंग होती है, यहां पर आप योर सिंसियरली या सिंसियरली आप लिखते हैं, और फिर नेम लिखते हैं सिंसियरली नेम, लाइन छोड़ करके ऐसे हम इसको एंडिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस है, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं देना है, कोई भी इसमें क्लोजिंग एंडिंग बिल्कुल नहीं देनी है, केवल एड्रेस आना है, और इसमें केवल थर्ड पर्सन में बात करेंगे। और यहां पर देखिए सैल्यूटेशन भी आया है डियर, और एंडिंग या क्लोजिंग भी आई है, सिंसियरली हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट है, इसको आप देखेंगे, और बाकी हम अब आपको लिख के दिखाएंगे इन फॉर्मेट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो आइए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से हम इनविटेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि यू आर मिस्टर गुप्ता, आप मिस्टर गुप्ता हैं, होम नंबर 18, आपका होम नंबर 18 है आजाद नगर मेरठ, आजाद नगर की लोकेशन में मेरठ में, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिया गया है कि फॉर्मल इनविटेशन लिखिए टू योर कंपनी बॉस मिस्टर सिंह, अपने कंपनी बॉस मिस्टर सिंह को एक फॉर्मल इनविटेशन लिखिए ऑन द ओकेजन ऑफ योर डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटी की शादी के अवसर पर। वर्ड लिमिट भी गिवन होती है, वर्ड लिमिट 40-50, इस तरह से आपको वर्ड लिमिट भी दिया जाता है, तो वर्ड लिमिट 40-50। तो मैंने आपको बताया है कि जब फॉर्मल इनविटेशन हम लिखते हैं तो नो हेडिंग, यानी कोई भी हेडिंग नहीं बनाना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है फॉर्मल इनविटेशन, कुछ नहीं लिखना है, तो नो हेडिंग, नो सैल्यूटेशन, नो क्लोजिंग, बिल्कुल सिंपली लिखना है। तो देखिए थर्ड पर्सन में लिखना है, यानी कौन इनवाइट कौन कर रहा है, तो जो इनवाइट करने वाले हैं वो मिस्टर गुप्ता हैं, मिस्टर गुप्ता की बेटी की शादी है और उन्हें इनवाइट करना है मिस्टर सिंह को, अपने बॉस को। तो उनके बॉस जो है ना, तो उनके फ्रेंड है और न ही उनके रिलेटिव है, इसलिए ये हमारा फॉर्मल इन्विटेशन है। तो हम शुरुआत करते हैं, मिस्टर गुप्ता इज वेरी हैप्पी टू इनवाइट मिस्टर सिंह on the occasion of his daughter's marriage. On यहां पर डेट बताएंगे,
ऑन 10 मार्च 2021 ऑन 10 मार्च 2021 एट गोरी गार्डन एट 7 PM। तो ये हमने टाइम भी बता दिया है, प्लेस भी बता दिया है एट गोरी गार्डन, और डेट बता दिया है। तो मिस्टर गुप्ता इज वेरी हैप्पी, मिस्टर गुप्ता बहुत खुश हैं टू इनवाइट मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह को इनवाइट करते हुए ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटी की शादी के अवसर पर मिस्टर गुप्ता मिस्टर सिंह को इनवाइट करते हुए बड़े खुश हैं। ऑन 10 मार्च 2021 एट गोरी गार्डन एट 7 PM। प्लीज डू कम, कृपया अवश्य आना। प्लीज डू कम विथ फैमिली, परिवार के साथ अवश्य आना। बाद में क्लोजिंग क्लोजिंग वर्ड आपको नहीं देना है, सीधा ही आपको एड्रेस लिख देना है। तो एड्रेस लिख देते हैं, होम नंबर 18 आजाद नगर मेरठ। ये आपका इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी फॉर्मल इनविटेशन को, हम लिखते हैं बिल्कुल। आपको विशेष ध्यान देना है, नो सैल्यूटेशन, नो क्लोजिंग एंड नो हेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक आपका जो है क्लियर हो चुका होगा फॉर्मल इनविटेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।